हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा अग्रवाल और आपका वेलकम है शिखास गार्डन में। आज का वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी इंडिपेंडेंस डे की गार्डन शॉप। यहाँ हमारे शहर में बाहर से कुछ प्लांट्स वाले आए हुए हैं जो रोड साइड में अपनी शॉप लगा के बहुत अच्छे अच्छे प्लांट बेच रहे थे और मुझे उनका प्राइस भी बहुत सही लगा, तो मैंने ये सारे जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सब कुछ खरीदे हैं। अभी एक एक करके मैं आपको इनको दिखाती हूँ और इनमें से कुछ के नाम तो मुझे पता नहीं है, आप देखिएगा। अगर आपको उनके नाम पता हो तो मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, ये पेंटास का प्लांट है। इसमें उनके पास दो कलर थे, ये पिंक और ये वाइट। ये एक प्लांट उन्होंने मुझे 25 रुपीज़ का दिए। ये वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में ही है। इसमें चार वाइट हैं और दो पिंक हैं। प्लांट मुझे हेल्दी भी लगे। इनकी थोड़ी सी पिंचिंग मुझे करनी होगी तो वो मैं इनको पॉटिंग करते समय करूँगी। और उसके बाद देखिए, ये है ड्रेसीना कट की ड्रैगन वेराइटी। ये एक प्लांट मेरे पास नहीं था। और दूसरा क्या है, अभी मैं जहाँ रहती हूँ ग्राउंड फ्लोर पर, मेरे घर में सनलाइट जो है वो प्रॉपर नहीं आती है, तो मुझे ग्राउंड फ्लोर में थोड़े से सेमी शेड पार्शियल शेड वाले प्लांट्स का कलेक्शन बढ़ाना भी था, तो फिर मैंने ये लिया। और देखिए, ये एक जेड प्लांट है, ये मैंने लिया उनके पास से। और सबका रेट मुझे याद भी नहीं है क्योंकि आखिरी में ये जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं ये सब उन्होंने मुझे एक साथ 1000 रुपये में दिया। तो ये 6 पेंटास, ये ड्रेसीना का ड्रैगन, ये जेड और ये एक क्रोटन दिया है उन्होंने मुझे। और साथ में ये जरबेरा के 4 प्लांट, देखिए ये एक, ये दो, ये 3 और ये 4 जरबेरा के प्लांट हैं। इसके फ्लावर तो थे नहीं, उन्होंने कहा ये चारों अलग अलग कलर हैं, वाइट, ऑरेंज, रेड और येलो। अब ये जब खिलेंगे तब मुझे पता चलेगा कि ये एक्चुअली कौन से कलर हैं। और देखिए, ये है ड्रेसीना के, कुछ डिफरेंट से लगे मुझे। और ड्रेसीना मुझे इसलिए पसंद है, ये बहुत हार्डी प्लांट है। एक बार लगा के आप छोड़ दीजिए, सालों साल इनकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती और इनके पत्तों के कलर इतने अच्छे रहते हैं कि गार्डन में एकदम रौनक बनी रहे। देखिए, ये ड्रेसीना का ये इसके लीव्स हैं जिसमें साइड में वाइट बॉर्डर है। एक ये लीव्स है थोड़ा सा मैरून रेडिश शेड में, कहीं कहीं डार्क पर्पल भी दिख रहा है मुझे इसमें। और एक ड्रेसीना का ये, तो ये 3 ड्रेसीना लिए मैंने और एक ये चौथा ड्रेसीना ड्रैगन। और उसके साथ में ये लिया मैंने स्पाइडर प्लांट। है तो बहुत कॉमन प्लांट पर मेरे गार्डन में ये अभी तक नहीं था। ये मैं हैंगिंग पॉट में लगाऊंगी। इनमें से कुछ प्लांट हैं जो मैं, जैसे जेड है, ये मैं हैंगिंग पॉट में लगाऊंगी। और देखिए, ये एक रोज़ का कलर मुझे बहुत पसंद आया था, ये लाइट ऑरेंज जैसा कलर है, पीच जैसा। वैसे तो ऊपर छत पे रोज़ का कलेक्शन है काफ़ी, कुछ लोकल लिए थे, कुछ पुष्पांजलि नर्सरी से ऑनलाइन मंगाए थे और ये एक मुझे अच्छा लगा तो रोज़ का मैंने। मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इनके नाम तो मुझे पता नहीं, ये सब मैंने हैंगिंग बास्केट के लिए लिया है। अगर आपको इनके नाम पता हो तो मुझे बताइएगा। एक ये प्लांट है, दूसरा ये प्लांट, ये दोनों मैं हैंगिंग में लगाऊंगी। और एक तीसरा ये प्लांट है, ये भी मैं हैंगिंग पॉट में लगाऊंगी। उन्हीं के पास से लाई थी, ये मैंने ऑलरेडी हैंगिंग प्लांटर में लगा दिया है। और ये इसका भी मुझे नाम उन्होंने बताया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोटस और वाटर लिली के नाम जितनी जल्दी याद कर पाती हूँ ना, मैं नॉन एक्वाटिक प्लांट्स जो है ना उनके नाम थोड़ा देर से याद रख पाती हूँ। तो ये दोनों जो हैं ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और इन मेरे पास एक बहुत सुंदर सा स्नेल प्लांटर है सिरेमिक का, ये 2 स्नेल्स हैं उसमें, उनमें मैं ये रखूँगी और ये मैं आपको आखिरी में रख के दिखाऊँगी उनमें। और ये थी मेरी प्लांट्स की शॉपिंग। ये सारे प्लांट्स मुझे 1000 रुपये में मिले हैं। उनमें वो हैंगिंग वाला प्लांट भी शामिल है जिसको मैंने अभी प्लांट कर दिया है। और एक प्लांट मैं आपको दिखाना जो भूल गई हूँ वो ये है। इसमें उन्होंने कहा है पर्पल कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आएंगे। ये उतना हेल्दी तो लग नहीं रहा था, थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा था, पर ये उन्होंने एक अपनी तरफ से दे दिया है मुझे। तो ये एक प्लांट है। और साथ में देखिए, मैंने बहुत सारे पॉट्स की भी शॉपिंग की है। ये 5.5 इंच का नर्सरी पॉट है जो मुझे 12 रुपये का एक पड़ा है। इसके 50 पीस मैंने ख़रीदे थे, ये मैंने कुछ दिन पहले ख़रीद लिया था। अभी लास्ट वीडियो जो मेरा ट्रॉपिकल पे था जिसमें मैंने आप लोगों को ट्रॉपिकल के ट्यूबर लगा के दिखाए थे, ये वो ही है। ये 12 रुपये का एक पड़ा है मुझे। ये कुछ हैंगिंग प्लांट्स हैं, नीचे प्लेट भी हुई है। और ये एक प्लांटर मुझे 80 रुपये का पड़ा है। इसके मैंने 3-4 कलर ख़रीदे हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिनमें मैंने सॉइल डाल रखा है
और इनको मैंने कुछ एक जगहों पे लटका भी दिया है और ये बहुत सुंदर लुक दे रहे हैं। ये 80 रुपए के पड़े और ये वाले ब्लू पॉट मुझे पड़े 40 रुपए के। इनके साथ में भी हैंगर दिए हुए हैं, वहाँ देखिए आप पॉट के मैचिंग के हैंगर। और ये जो हैं ये 40 रुपए के पड़े और इसी में ब्लैक जो था वो 30 रुपए का था, पर मुझे कलरफुल ज़्यादा पसंद था तो मैंने जो है वो ये ब्लू कलर सेलेक्ट किया है। इसमें ऑरेंज और ग्रीन ऑलरेडी मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। तो ये सारी थी मेरी शॉपिंग। कुछ मैं प्लांट्स मैंने आज खरीदे, प्लांटर्स मैंने कुछ दिन पहले खरीदे और अब इन दोनों को मैं आपको रख के दिखाती हूँ स्नेल वाले प्लांटर में। ये देखिए, ये है मेरा प्लांटर, घर का एक कॉर्नर जहाँ पे मैंने इनको रख दिया है। प्लांटर तो थोड़ा पुराना है बट प्लांट नए हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, देख के बताइएगा आपको कैसा लगा। वैसे तो हमारे शहर में मुझे लगता है चीज़ों के प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं बाहर किसी बड़ी सिटी में जाती हूँ तो जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं वो मुझे थोड़ी सस्ते में मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी जहाँ हम रहते हैं अल्टीमेटली शॉपिंग तो हमें बार बार वहीं से करनी पड़ती है। तो ये सारा था आज का वीडियो। ये छोटा सा जेन कॉर्नर है, ये भी देख लीजिए आप, मॉन्स्टेरा लगा के रखा है कॉर्नर में। यहाँ पर एक सक्यूलेंट अभी अभी डाला है और यहाँ गेंदे के सीड जर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये छोटा सा जेन कॉर्नर मेरे गार्डन का। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।